Hello students, all of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes in English from ML Convent Group of Schools. So students, nowadays we are studying the third chapter in approach. In this, as we know that there are two stories, as the name of the chapter is two stories about flying. So we are reading the first story, his first flight, and in the first video that had been provided to you in the last class, in that video you have seen, you have learnt up to here what let us try to have a recapitulation. So in this story we have read that the writer records how a seagull gains courage and learns to fly. The bird had lost his courage to fly and given up the hope. Ultimately, encouraged by his mother and the attempt he made, he stayed flying. The young seagull was afraid to fly. हम लोगों ने देखा कि जो young seagull है उसको उड़ने में डर लगता है, जबकि उसके दो भाई और उसकी बहन वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं. He feared the long stretch of the sea, जो समुद्र इतना, जो सी है वो इतना लंबा, उसका जो फैलाव है और उसकी जो डेप्थ है, उस सबसे वो डर जाता है. He could not gather courage to take the flight. He was desperate. His parents scolded him, called him, even threatened him to leave him on the ledge. He was so frightened that he decided to stay there. His parents trained his brothers and sisters. अभी तक हम लोगों ने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को ट्रेन करते हैं. 24 आवर्स पास्ट. द सीगल ऑब्जर्व्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट. दे वर टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाउ टू फ्लाई एंड स्किम द वेव्स एंड डाइव फॉर फिश. द रेस्ट ऑफ द फैमिली टॉन्टेड हिम फॉर हिज कवर्डाइस. द सीगल वॉज हंग्री. ही केम आउट ऑफ द लिज. ही प्रिटेंडेड टू बी एस्लीप. हम लोगों ने देखा लास्ट में कि जो सीगल था वो हंग्री था, वो लेज से बाहर आता है और सोने का बहाना करता है कि वो सोया हुआ है, और अपनी आंखें थोड़ा सा बंद करके उसने वो देखता है अपने भाइयों को, अपने सिस्टर्स को, अपने सिस्टर को जो कि डोज कर रहे हैं विथ हिज बीक संक इनटू हिज नेक्स. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. वहाँ से देखता है कि सामने के जो प्लेटू जिस पे वो लोग उठ चले गए हैं, वहाँ पे केवल अपनी माँ को देखता है कि केवल उसकी माँ है जो उसकी ओर देख रही है. शी वुड टीयर अ पीस ऑफ फिश एंड स्क्रैप ईच साइड फॉर ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. सी गर्ल फेल्ट एक्सट्रीमली हंगरी. जब वो अपनी माँ के बीक में फिश को देखता है तो वो उसका जो हंगर है वो दम से अराउज हो जाता है. हिज मदर स्क्रीम्ड एट हिम इन हेट्रेड एंड डिसलाइक. उसकी माँ उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाती है, हेट्रेड के साथ, डिसलाइक के साथ. और फिर क्या होता है, लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग इन टुडेज क्लास, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 34, second paragraph. Go, 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 he cried, begging her to bring him some food. जब उसने देखा कि उसकी माँ उसकी ओर देख रही है, when the seagull saw that his mother is looking at him, so he cried, begging some food for him. Okay, वो अपनी माँ से beg करता है कि कुछ खाना उसको मिल जाए. बट द मदर डिड नॉट सो मर्सी ओवर हिम. ओके, डिस्पाइट ऑफ मर्सी, वो गुस्से में उसकी ओर देख करके चिल्लाती है. सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिबली. डेरिसिबली मीन्ट इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही सीज स्टूपिड. उसकी स्टुपिडिटी पे उसकी ओर चिल्लाती है डिसलाइक के साथ, हेटेड के साथ. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिबली.
बट वो रुकता नहीं है अपनी माँ की ओर, प्लेंटिवली वो कॉल करता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम एंड विद इन नो टाइम उसका जो दुख भरा स्क्रीम था वो जॉयफुल स्क्रीम में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ही सॉ दैट हिज मदर इज फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। अपनी चोंच में पकड़ के वो एक टुकड़ा फिश का वो उसकी ओर उड़ती हुई आती है एंड वॉज फ्लाइंग क्रॉस टू हिम विथ इट। ही लीन्ड आउट ईगरली ही गॉट एक्साइटेड एज ही केम नियरर एंड दस लीन फॉरवर्ड। वो जब अपनी माँ को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो वो काफ़ी जो है खुश होता है, एक्साइट हो जाता है और आगे की ओर झुक जाता है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ही बिगिंस टू टैप द रॉक विद हिज फीट। अपने पैरों से जो है रॉक को टैप करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। जब वो उधर से आती है तो उसकी और नज़दीक जाने का प्रयास करता है। मेक्स एन एफर्ट टू गो नियरर टू हिम बट व्हेन शी वो जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड। बट सडनली शी स्टॉप्ड आउट टू फॉर फ्रॉम हिम। एकाएक जब वो एकदम उसके पास पहुंच गई तो उसके एकदम नजदीक पहुंचने के पहले वो रुक गई। शी स्टॉप्ड शी टुक अ हॉल्ट ओके शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। शी स्टॉप्ड फ्लैपिंग हर विंग्स अपने विंग्स को फ्लैप करना उन्होंने रोक दिया। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ द हिज बीक। जो उसकी माँ के चोंच में जो फिश था वो लगभग उसकी सीगल के पहुंच के पास था। ही वॉन्टेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। उसने वेट किया एक मोमेंट सरप्राइज में और उसको काफी जो है आश्चर्य हो रहा था इस बात से कि उसकी माँ उस तक आई क्यों नहीं और उसकी जो भूख थी वो उसको पागल कर दी। हिज हंगर maddened हिम एंड इन द एक्साइटमेंट आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर ही dived एट द फिश विदाउट realizing फॉर moment। एक भी मोमेंट रियलाइज कर के बिना वो उस फिश के उस पीस के लिए डाइव किया उसने। दैट ही डाइव्ड एट द फिश दैट ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई। भूल गया कि वो उसको जो है उड़ने में डर लगता है। वो एकदम से एक्साइटमेंट में उस फिश की ओर फिश के टुकड़े की ओर जो उसकी माँ के बीक में थे उसके लिए डाइव किया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। लाउड स्क्रीम के साथ विद अ लाउड स्क्रीम ही गॉट सो एक्साइटेड दैट ही फेल एज सून एज ही ट्राइड। वो इतना एक्साइट हो गया कि लगभग वो गिर पड़ा। ओके ही फेल एज सून एज ही ट्राइड। जैसे उसने प्रयास किया ही फेल। फॉर अ मोमेंट ही वॉज इन शॉक एंड स्टूड स्टिल आउट ऑफ टेरर। ऑल दिस लास्टेड ओनली फॉर मोमेंट। ये सब बहुत देर तक नहीं हुआ, ये बस मैक्सिमम एक मोमेंट चला एंड सून वॉट हैपेंड। सो ऑलराइट जैसे ही वो डाइव किया देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम। तभी उसके ऊपर जो भय था मॉन्स्ट्रस टेरर के कब्जे में आ गया एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल और उसका हार्ट बीट रुक गया। ही कुड हियर नथिंग। उसको कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं पड़ा बट इट्स रियली लास्टेड अ मिनट। लेकिन ये सब बहुत देर तक नहीं हुआ, एक मिनट भी नहीं रहा हुआ।
भूख के एक्साइटमेंट में वो छलांग तो लगा दिया, डाइव तो कर दिया, लेकिन वो डर उसका जो था वो उसको एक बार फिर से सीज किया। उसकी हार्ट बीटिंग स्टॉप हो गई, उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन ये बस कुछ एक मोमेंट तक ही रहा। देन व्हाट हैपेंड, बट इट ओनली लास्टेड फॉर अ मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले मोमेंट उसने ये महसूस किया कि उसकी विंग्स जो हैं वो आउटवर्ड्स क्या हुए, स्प्रेड हो गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। उसने महसूस किया कि जो हवा का दबाव है वो उसके ब्रिस्ट पे पड़ रहा है, ब्रिस्ट फीदर्स पे पड़ रहा है। फिर उसने अपने पेट पे हवा का दबाव महसूस किया, ही देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर विंग्स पे उसने हवा का दबाव, ही फेल्ट द प्रेशर ऑफ विंड ओवर हिज विंग्स। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ही कुड फील, उस समय एट दैट टाइम ही वॉज फीलिंग दैट द टिप्स ऑफ हिज विंग्स आर कटिंग थ्रू द एयर। महसूस किया कि जो विंग्स की जो उसके विंग्स के टिप्स हैं वो हवा से कट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, और अप टू नाउ जो शुरुआत में वो डाइव किया था तो सीधे नीचे एकदम सिर के बल नीचे जा रहा था, अभी वो सिर के बल नीचे नहीं जा रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अभी वो ग्रेजुअली सोर कर रहा था। ओके, ही कुड फील हिमसेल्फ कटिंग टू द एयर, ही वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर। अभी उसने महसूस किया कि अब उसके अंदर डर नहीं रह गया है, अब वो नीचे नहीं जा, बल्कि अब वो उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, नीचे की ओर जा रहा था, लेकिन उसका जो नीचे जाना था वो तेज नहीं था, दैट वॉज ग्रेजुअल, और आगे भी बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो तनिक भी डरा हुआ नहीं था। हिज अफ्रेड वॉज गॉन अवे फ्रॉम हिम, हिज नर्वसनेस हैड गॉन अवे फ्रॉम हिम। ही वॉज नॉट अफ्रेड एनी मोर, वो तनिक भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी मीन एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना स्पिनिंग अराउंड करने में, अपने बैलेंस को, अपने शरीर के बैलेंस को ठीक करने में उसने डिजी फील किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, और तब एक बार उसने अपनी विंग्स को फ्लैप किया, एंड ही शोर्ड अपवर्ड्स, और एज सून एज ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, एक बार जैसे उसने अपनी विंग्स को फ्लैप किया, ही शोर्ड अपवर्ड्स, वो ऊपर की ओर उड़ गया। एंड नाउ अगेन ग ग ग ग ग ग ग कोला, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम। नाउ सूप्ड स्पेशली वर्ड, मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर। सो हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो है सूप पास की, मैंने उसके आगे बढ़ गई नीचे से। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसकी मदर के जो विंग्स थे वो काफी तेज आवाज कर रहे थे। ही एंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, जो अभी आवाज थी वो उसकी माँ की थी, उसने भी अपनी माँ को दूसरी स्क्रीम के साथ एंसर किया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, नाउ इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर होल फैमिली। माँ के इस प्रयास से जो है वो उड़ चला, उसके फादर, हिज फादर आल्सो बिकेम वेरी हैप्पी, उसके फादर भी बड़े खुश हुए और वो भी स्क्रीमिंग करते हुए उसके ऊपर आकर के उड़ने लगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, अभी उसने देखा। नाउ ही ऑब्जर्व्ड, ही सॉ दैट हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आल्सो फ्लाइंग अराउंड हिम, कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। वो सब के सब कवेट कर रहे थे, कवेट मीन लीपिंग लाइक अ हॉर्स,
का वेट कर रहे थे। बैंकिंग बैंकिंग मीन फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, एक विंग को ऊपर करके और दूसरी विंग को नीचे करके उड़ना, वो बैंकिंग कर रहे थे, सोरिंग कर रहे थे। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आल्सो वर कवटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग अलोंग विथ हिम। सो इन दिस वे हिज फियर ऑफ फ्लाइंग केम टू एन एंड। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, एंड देन वंस ही ओवरकेम हिज फियर ही फॉरगॉट दैट ही वॉज वंस अफ्रेड ऑफ इट। जैसे एक बार उसका डर खत्म हुआ, वो भूल गया कि कभी ऐसा भी था कि उसको उड़ने में डर लगता था। ही डिड ऑल दोज थिंग्स ही वंस फियर्ड। ओके, अब वो सब कुछ किया उसने जो वो करने में उसको डर लग रहा था, एंड ओके एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व सीकिंग स्टीलिंग। उसने डाइव भी किया, सोरिंग भी किया, कर्व भी किया खूब तेज चिल्लाते हुए। He flew straight over the sea. Okay. He was near the sea now, flying straight over it. While flying, he was near the sea. He was flying straight over it. अभी समुद्र के ठीक ऊपर सीधा वो fly कर रहा था, facing straight out over the ocean. Okay. He saw a vast green sea beneath him. So he flew straight over the sea and could see the greenery and the mountains beneath him. जो समुद्र के अंदर के ग्रीनरी होती है, जो उसके अंदर के माउंटेन्स होता है, वो अभी उन सब को देख रहा था। And he saw all the little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and called amusedly. Okay, he screamed out of joy as he enjoyed the victory. वो अपनी विक्ट्री को enjoy कर रहा था। His parents and brothers and sisters had landed on his green flooring ahead of him. Okay, so when he landed, his family landed along with him as a gesture that they were proud. जब उसने लैंड किया, उसने देखा कि उसके साथ उसकी फैमिली के अदर मेंबर्स, उसकी फादर, उसकी मदर, उसके दो भाई, उसकी बहन, सब के सब इस तरीके से आकर के वहाँ बैठ गए, जैसे रहा माने कि वो सब के सब उसके ऊपर प्राउड फील कर रहा है। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him. उसकी ओर beckon कर रहे थे। What do you mean to beckon? Beckon means giving a gesture. Okay? So, beckoning to him, calling shrilly, तेज चिल्लाते हुए। He dropped his legs to stand on the green sea. And after that, उसने क्या किया? Drop कर दिया अपने legs को green sea पे stand करने के लिए। His legs sank into it. उसके जो पैर थे वो समुद्र में डूब गए। He screamed with fright. अभी when his legs were in the water of the sea, he was again frightened. And in frightening, he screamed and made an attempt and attempted to rise again, flapping his wings. एक बार फिर से अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए उसने उड़ने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन अभी वो थका हुआ था। ओके, ही देन वेंट इनटू द सी वेयर एट फर्स्ट ही गॉट स्केयर्ड एंड दस पैनिक्ड। ही ट्राइड एस्केपिंग बट गॉट टायर्ड एंड वीक बिकॉज ऑफ हंगर। भूखा था ना भाई वो, ये सब तो उसके जो भाई बहन मम्मी पापा थे सब खा रहे थे, फिर उसको तो कुछ खाने को नहीं मिला था, तो भूखा था। तो भूखा होने के कारण उसकी उसके वो टायर्ड हो गया, वीक विथ हंगर, एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाया।
Thus, he was not left with any option to calm down. So, since he was exhausted by the strange exercise, अभी जो उसने strange exercise किया उससे he was completely exhausted. His feet sank into the green sea. Okay, उसके पैर जो थे वो green sea में sink कर गए. And then his belly touched it. उसके पैर जो थे उसके जो उसका जो belly था belly water के surface पे आ गया. And he sank no further. और उसके बाद वो तनिक भी नीचे नहीं गया, वो नहीं डूबा. Okay, he did not sink any further. बस उसके पैर डूबे, जैसे उसका पेट आ गया पानी पे, वो उसका पेट नहीं डूबा. Now he found that he was floating on it. Now, अभी उसने पाया अपने आप को कि वो वॉटर के सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. Thus, when he calmed down, he started floating on the sea. He was once afraid of. अभी जिस ओशियन या सी के वॉटर स्ट्रेस से वो इतना डरा हुआ था, नाउ ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द सेम वॉटर, उसी पानी पे अभी वो फ्लोट कर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, एंड ऑल अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज देयर हु वर स्क्रीमिंग इन जॉय, हु वर प्रेजिंग हिम. सब के सब उसको उसकी प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे. अभी तक वही पेरेंट्स, अभी तक वही मम्मी, वही पापा, वही भाई, वही ब्रदर, वही बहन उसको कावर्ड बोल रहे थे. अभी जब उसका डर खत्म हो गया तो सदैव ऑल प्रेजिंग. हिज फैमिली वॉज सेलिब्रेटिंग इन एक्साइटमेंट एंड ऑफर्ड हिम फूड एज प्रेज. एंड इन द प्रेज praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish. So वो लोग praise करते हुए इसको dog fish खाने के लिए offer किए. Hence he had made his first flight. Hence in this way he made his first flight. Hence he overcome his fear and had made his first flight. अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लिया और उसने पहली उड़ान भर ली. So in this way students, we have read this chapter, the first flight. With the next part of it, we shall come in our next class. You are supposed to make the notes on the chapter that is regarding introduction, theme, message, title, extract based questions, NCERT questions and other things. Thank you. Have a nice day.